इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. क्या आप सभी मेरी बात से सहमत है? हेलो एवरीवन, मैं फाइज अंसारी क्लास 10th में वोकेशनल सब्जेक्ट की ब्यूटी एंड वेलनेस की स्टूडेंट हूँ. आज हमारी सोसाइटी में अपना हुनर दिखाने की और कुछ अलग करने की हर स्टूडेंट की इच्छा है. इस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में हम कैसे अपने लिए एक अलग सोच और औरों के देखने का नजरिया कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए हम सभी ब्यूटी एंड वेलनेस के स्टूडेंट्स ने एक रोल प्ले तैयार किया है जिसमें हम आपको इंटरव्यू सेशन का सीन दिखाएंगे. आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा. खुशी, आज हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट की इंटरव्यू है ना? सारे कैंडिडेट्स आ गए? ओके, आप एक एक करके सबको अंदर भेजिए. आप जॉब इंटरव्यू के लिए आई हैं? यस. प्लीज आप अंदर जाइए. मैम भी आई कम इन? यस. हेलो हेलो मैम, प्लीज हैव अ सीट. व्हाट्स योर नेम? मैम माइसेल्फ जन्नत. व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? मैम मैंने 12th पास की है और मैं अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए खुद कमाकर अपनी पढ़ाई पर खर्च करना चाहती हूँ और अपनी पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ. दैट्स इम्प्रेसिव, वेरी मच. थैंक यू मैम. आपको पता है आपका जॉब रोल क्या है? यस मैम, रिसेप्शनिस्ट जॉब के लिए. ओके. आपकी कोई अदर स्किल्स? यस मैम, मैंने अपने स्कूल में एडिशन वोकेशनल कोर्स ब्यूटी एंड वेलनेस की पढ़ाई की है. इसमें मुझे स्किल कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट और कंप्यूटर की नॉलेज, ये सभी प्रकार के स्किल्स सिखाए व पढ़ाए गए हैं. अरे वाह, आपने तो एकेडमिक के साथ साथ एडिशनल भी सीख लिया. थैंक यू मैम. यस मैम, मैंने इसके साथ साथ हम अपनी पर्सनैलिटी को ब्यूटी से कैसे इन्हेंस कर सकते हैं ये भी सिखाया गया है, जो मेरी पार्ट टाइम अर्निंग में बहुत काम आता है, लाइक थ्रेडिंग, फेशियल, मेकअप एक्सेट्रा. वेरी गुड, प्लीज आप बाहर जाके वेट करिए. ओके मैम, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट. मे आई कम इन मैम? यस, प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू मैम. आपका नाम क्या है? मैम आई एम आर्या. ओके, आपकी क्वालिफिकेशंस? मैम मैंने बीकॉम कर रखी है. आपको अपना जॉब रोल पता है? यस मैम, मेरे को रिसेप्शन पे आने वाले लोगों को वेलकम करना है. आपकी कोई अदर स्किल्स? नो मैम. ओके, आप बाहर जाके वेट कीजिए. ओके, थैंक यू मैम. वैसे तो दोनों ही बहुत इम्प्रेसिव थे, बट फिर भी कंफ्यूजन है. यस, कंफ्यूजन तो है, बट फर्स्ट गर्ल इज वेरी इम्प्रेसिव. तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि फर्स्ट गर्ल कितनी वेल ग्रूम्ड थी और पर्सनालिटी तो काबिले तारीफ. हाँ, वैसे भी उसकी स्किल नॉलेज काफी अच्छी थी. यस, फाइनल डिसीजन इज कि फर्स्ट गर्ल ही हमारी रिसेप्शनिस्ट बनेगी. सो हमने फर्स्ट गर्ल को रिसेप्शनिस्ट के लिए इसलिए चूज किया क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो जैसे कि आप सभी ने इंटरव्यू सेशन में देखा कि कैसे पर्सनालिटी इनहेंस होने के कारण देखने का नजरिया बदल गया, तो अब आप सोच रहे हैं क्या? देखिए, अगर सड़क पर किसी से रास्ता पूछते हैं और वो रिक्शे वाला हो तो उससे कहते हैं, अरे भैया GSKV स्कूल का रास्ता बताना. और वही अगर कोई वेल ड्रेस सूट और टाई वाला हो तो, एक्सक्यूज मी सर, आप इनर लुक स्कूल का रास्ता बता सकते हैं? अभी भी नहीं समझे? एक और एग्जांपल देती हूँ, फिर तो पक्का समझ जाएंगे. अगर 5-star होटल में जाते हैं और वहां पर खिचड़ी को अच्छे ब्यूटीफुल बाउल में सर्व किया जाए तो बड़े तो क्या, बच्चे भी बड़े मजे से खा लेते हैं. और वहीं अगर मम्मी बनाए तो, मम्मी क्या खाना बनाया आज बीमारों वाला. तो बस ब्यूटी एनहांस करने से हमारी पर्सनालिटी और वोकेशनल स्किल्स, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आज का हमारा रोल प्ले यही समझाता है. तो एंड में हम सभी दिल से प्रिंसिपल मैम, SMC मेंबर्स, हमारे चीफ गेस्ट और हमारी टीचर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. थैंक यू मैम, जिनकी वजह से हम अपने वोकेशनल स्किल्स में आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू.